एनओएस बोर्ड के द्वारा इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जो अपना एग्जाम अप्रैल 2025 में देने वाले, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज दी गई है और ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है जो कि एग्जामिनेशन फीस और टीएमए के मार्क्स के रिगार्डिंग। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, ये गुड न्यूज आपको आज के स्टूडियो में बताने वाला हूँ जो आपको फेल होने से बचा देगा। मनीष पर आप सभी का स्वागत है हमारे। एक बार आप इस नोटिफिकेशन को देखो जिसमें ये बताया गया है कि जो अपना एग्जाम अप्रैल 2025 में देने वाले हैं उनको अपना एग्जामिनेशन फीस पे करना है, जिसकी स्टार्टिंग 21 नवंबर से हो गई है। 21 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक आपको अपना एग्जामिनेशन फीस पे करना होगा विदाउट लेट फीस। अगर आप 20 दिसंबर के बाद पे करते हो 21 दिसंबर से, तो आपको 150 का लेट फीस देना हो। अब ये एग्जामिनेशन फीस क्या होता है देखिए, जिस टाइम पे हम एडमिशन लेते हैं उस टाइम पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस पे किया जाता है, और इसके बाद जब आपका एग्जामिनेशन होता है फाइनल एग्जामिनेशन, तो उससे पहले थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए इन दोनों की फीस पे की जाती है, और ये फीस पे की जाती है 21 नवंबर से, तभी आप अपना अप्रैल 2025 में एग्जाम दे सकते हो। और इसके लिए आपको फीस कैसे पे करना है, सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे लिखना है NIOS। ये देखिए फर्स्ट लिंक आ गया, इस पर क्लिक कीजिए, ये पोर्टल आ गया है। इसके बाद आप एडमिशन वाले सेक्शन पे क्लिक करके इस वाले पोर्टल पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एग्जाम्स एंड रिजल्ट, जैसे आप इसको टच करोगे यहाँ पे लिखा है एग्जाम फी, यहीं पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो एनरोलमेंट नंबर है इसको फिल करना है, देन वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिनका आपको एग्जाम देना है, और आपको अपना एग्जामिनेशन फीस पे करना है। जैसे एग्जामिनेशन फीस पे कर देते हो आप अपना एग्जाम दे सकते हो, अगर आप एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करते हो तो एग्जाम आप नहीं दे सकते, ये आपको ध्यान रखना है। जिन्होंने हमारे स्टडी सेंटर के थ्रू एडमिशन लिया है एक बार आप हमारे टीम को कॉन्टेक्ट कीजिए इसी नंबर पे, अगर आपको कोई डाउट होता है टीम आपको बता देगी और आपका एग्जामिनेशन फीस भी पे हो जाएगा। एंड अगर आपने अक्टूबर 2024 में एग्जाम दिया है और अभी भी आपके एक या दो ऐसे सब्जेक्ट है जो अभी रह रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हाफ सब्जेक्ट का एग्जाम एक साल में होता है और हाफ सब्जेक्ट का एग्जाम नेक्स्ट ईयर होता है, तो अगर आपके केस में भी ऐसा है तो ये एग्जामिनेशन फीस आपको ही पे करना है। देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया है अक्टूबर 2024 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके सब्जेक्ट रह रहे उनको भी एग्जामिनेशन फीस पे करना है अप्रैल 2025 में एग्जाम देने के लिए। तो 20 दिसंबर लास्ट डेट है, इससे पहले ही आप अपने एग्जामिनेशन फीस पे कर देना ताकि आपको कोई लेट फीस ना देना हो। एंड जब आप अपना टीएमए अपलोड कर रहे थे तो आपको इस तरीके से एक एरर शो हो रहा था, अब ये एरर शो नहीं होगा। जैसे ही आप अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर देते हो उसके बाद आपको अपना टीएमए सबमिट करना है। टीएमए सबमिट कैसे करना है, सिंपल आपको अपना डैशबोर्ड ओपन करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड टीएमए, इस पर क्लिक करना है, आपके सामने ये विंडो आ जाएगा, जो जो आपके पास सब्जेक्ट है इस पर क्लिक कीजिए, ब्राउज पे क्लिक करके टीएमए को अपलोड कर दीजिए। और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं टीएमए के क्वेश्चन को डाउनलोड करने के लिए, अगर यहाँ से नहीं भी मिल रहा आपको क्वेश्चन तो सिंपल यहाँ पे लिखिए एनओएस टीएमए क्वेश्चन, ये देखिए फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिए, ये आ गई लिस्ट, सेकेंडरी यानी 10th और सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th, जो आपके पास सब्जेक्ट है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, और इस पीडीएफ के ऊपर 2024-25 सेशन लिखा हो ये आपको ध्यान रखना है, और उनका क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, टीएमए का आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, तभी आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा। जिन्होंने अक्टूबर में एग्जाम दिए उनको टीएमए का मार्क्स मिल गया है और उनके आप मार्क्स देख सकते हो, ये हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे टीएमए सबमिट करवाए, फुल टू फुल इनको मार्क्स भी मिले, ऐसे ही सेम मार्क्स आपको भी मिलेंगे, बस आपको एक्यूरेट टीएमए सबमिट करना है। इसके लिए हमने आपको सोल्ड टीएमए की पीडीएफ दी है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। सोल्ड टीएमए में क्या होता है कि आंसर पहले से ही सारे लिखे होते हैं, बस आपको देख के आपको अपने पेज में लिखना होता है, बस एज इट इज सेम उतारना होता है, ये हो गया सोल्ड पीडीएफ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे चाहिए हैंड रिटन टीएमए जिसमें आपको टीएमए लिखना ना पड़े, तो आप हैंड रिटन टीएमए ले सकते हो और एज इट इज सेम आप उसको अपलोड कर दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं आपका टीएमए हमारी टीम लिखे और उसको अपलोड भी करे और आपको रिसिप्ट दे दे, तो आप टीएमए सर्विस में ज्वाइन हो सकते हो। इन तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दैट्स अप टू यू, जो आपको अच्छा लगे आप उसको ले सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, टीएमए अपलोड करने की लास्ट डेट 31 जनवरी है, इससे पहले आपको अपलोड करना है। अभी आप सोचोगे अभी तो बहुत टाइम है, आपको पता है कि लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ, जिन स्टूडेंट्स ने सोचा कि अभी बहुत टाइम है बाद में अपलोड कर दूंगा, उनको अभी तक मार्क्स नहीं मिले हैं, क्योंकि टीएमए जो पहले अपलोड करता है उसको पहले मार्क्स मिलता है। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था और इस बार भी ऐसा ही हुआ है, वो बच्चे अभी तक रो रहे हैं, इसलिए आपको टीएमए जल्द से जल्द अपलोड कर देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टीएमए बहुत जरूरी है आपको पास होने के लिए और परसेंटेज बढ़ाने के लिए। एक बार आप इस रिजल्ट को देखो, ये देखिए थ्योरी के मार्क्स है, जैसे इसमें टीएमए के मार्क्स ऐड होते हैं, ये देखिए आप टोटल मार्क्स, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि टीएमए कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए।
इसलिए टीएमए जरूर सबमिट करवाए। एंड थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए आप क्या कर रहे हो, कहीं आप ये सब कुछ कर लो और थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए कुछ भी ना करो, फेल ना हो जाओ, इसका आपको ध्यान रखना है। अभी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफी कंफ्यूज हैं, पढ़ाई कैसे करें समझ में नहीं आ रहा कुछ, इसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनके आंसर लिखे हुए हैं सभी सब्जेक्ट्स के। एक बार आप इसको डाउनलोड कर लो और इसमें से रीड करना स्टार्ट करो। इसको डाउनलोड करने की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो जो सब्जेक्ट आपके पास है उस पर क्लिक कीजिए, जैसे आप आई नाउ पे क्लिक करोगे, डिटेल्स फिल करोगे, ये पीडीएफ आपके फोन में डाउनलोड होकर आ जाएगी, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। बाकी जो अपना एग्जाम अप्रैल 2025 में देने वाले हैं, हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिया है और 25 नवंबर से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो 25 से 30 नवंबर तक ज्वाइनिंग चल रही है, तो सभी के सभी ज्वाइन हो जाओ ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जिसमें गारंटेड एग्जाम में पास करवाने के लिए, जैसे इस बार मैराथन क्लासेस ली आप देख सकते हो इस तरीके से, सेम ऐसे ही इस बार क्लास होने वाली है। और सभी टीचर्स आपको बिल्कुल शुरुआत से बताएंगे, हर एक चैप्टर पढ़ाएंगे, एग्जाम में क्या आएगा एग्जाम में जाने से पहले ही बता देंगे, तो ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन हो जाओ। ये क्लासेस बहुत जरूरी है, वन टाइम फीस है ये, एक बार फीस देने के बाद पूरे साल फीस नहीं देना। इसके बदले में आपको टीएमए मिलता है, सोल्ड पीडीएफ, प्रैक्टिकल के सोल्ड पीडीएफ मिलती है, नोट्स मिलते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। तो क्लासेस दो तरीके से होता है, पहला क्लास होता है बूस्टर जिसमें आपको मिलती है रिकॉर्डेड क्लासेस, इस तरीके से सारे चैप्टर्स आपके सामने आ जाएंगे, जो जो चैप्टर आप देखना चाहते हो देखना स्टार्ट कर दो, जब मर्जी चाहो देखो, आपकी मर्जी है। लेकिन जो लाइव क्लास होता है इसकी एक टाइमिंग होती है, जो टाइमिंग आप चाहते हो आपके अकॉर्डिंग वो टाइमिंग सेट की जाती है, और लाइव क्लासेस के अंदर टीचर आते हैं आपको इस तरीके से लाइव पढ़ाते हैं। दैट्स अप टू यू, जो आपको अच्छा लगे ज्वाइन कीजिए, लेकिन जितने भी टॉपर्स हमारे चैनल के रहे हैं आप एक उनके मार्क्स देखिए, इस बार वो टॉपर आप बनोगे। एनएस बोर्ड के अंदर आए हो तो पास होके नहीं, अच्छे मार्क्स से पास होकर जाना है, और ये दिखाना है कि एनएस बोर्ड के अंदर भी मार्क्स आता है, बस अच्छे से गाइडेंस मिलना चाहिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरे साल आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ इसी चैनल पे मिलती है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।